हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पिज़्ज़ा वाली। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी और टेस्टी पनीर मिंट बॉल्स। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पहले हम एक बोल में ले लेंगे 200 ग्राम पनीर और हाथों की मदद से इसे क्रम्बल कर लेंगे। अब इसमें हम डाल लेंगे बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, कसा हुआ गाजर, मुट्ठी भर पुदीना के पत्ते और एक बारीक कटा हुआ प्याज। अब हम ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें हम 1/2 कप चावल का आटा डाल लेंगे और बहुत ही अच्छे से इसे मिला लेंगे। चावल का आटा मॉइस्चर भी सोख लेता है, ताकि हमारे पनीर बॉल्स तेल में ना फटे और बाइंडिंग में भी मदद करता है। अब हम ये मिक्सचर के छोटे हिस्से लेकर हाथ के मदद से राउंड शेप देकर पनीर बॉल्स को रेडी कर देंगे। बहुत ही कलरफुल और क्रिस्पी बना है ये। ऐसे ही बाकी के पनीर बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे डीप फ्राई करने के लिए। जब तक मैं ये कर लूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बहुत सारी रेसिपीज आनी बाकी है। देखो कितने खूबसूरत और कलरफुल दिख रहे हैं ये पनीर बॉल्स। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम कढ़ाई में तेल डाल लेंगे डीप फ्राई करने के लिए। तेल गर्म होने के बाद हम पनीर बॉल्स को एक एक करके तेल में ऐड कर लेंगे और इन्हें अच्छे से फ्राई होने देंगे मीडियम हाई फ्लेम पर, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बीच बीच में इनको घुमाते जाए, ताकि वो इवनली ब्राउन हो जाए और सब तरफ से पके। देखो कितने क्रिस्पी और टेस्टी दिख रहे हैं ये पनीर मिंट बॉल्स। इन्हें एक किचन टॉवल पर निकाल लीजिए, ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। अब इसी तरह हम बाकी के पनीर बॉल्स फ्राई करके रेडी कर लेंगे। हमारे पनीर मिंट बॉल्स अब रेडी है। इन्हें सर्व करिए कोई भी सॉसेज या चटनीज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो पिज्जा वाली ऑन इंस्टाग्राम। सी यू अगेन नेक्स्ट वीक।